खबर है बिहार से, जहां पूर्व मंत्री को देखकर फिर राजनीति तेज हो गई है। बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह पिछले दिनों काफी चर्चा में बने हुए थे। उनके शपथ ग्रहण के बाद काफी बवाल मचा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके ऊपर किडनैपिंग के केस दर्ज हैं, जबकि मोकामा की गलियों में कार्तिक सिंह खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब फरार कार्तिक सिंह को नवरात्र के बाद दशमी के दिन दोपहर मोकामा में देखा गया। उस वक्त वो जेल में बंद पूर्व बाहुबली विधायक की पत्नी नीलम देवी के साथ उनके काफिले में नजर आई। दरअसल बीजेपी ने शनिवार को पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा दिया। मोकामा उपचुनाव में संभावित उम्मीदवार नीलम देवी के साथ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कार्तिक सिंह देखे गए थे। कई लोगों के साथ वो वहां के एक दुर्गा मंदिर में दर्शन करने भी गए। इसे लेकर बीजेपी चुनाव आयोग तक पहुंच गई और उनकी शिकायत लगाई। बीजेपी ने पटना के डीएम और एसपी को हटाने तक की मांग कर डाली। इस मामले में पार्टी के नेताओं ने कहा था कि जब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी है तो वह क्षेत्र भ्रमण कैसे कर सकते हैं। सुनिए क्या कहना है इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का। कार्तिकेय सिंह कोई फरार नहीं है। नीतीश कुमार जी के आदेश से वह लगातार मोकामा में घूम रहे हैं। सभी पुलिस वालों के समक्ष वह घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी की मानसिकता है कि जो अपराधी उनके साथ रहेंगे उसको प्रश्रय देंगे और उसी के तहत सारी बातें, क्योंकि हर मंत्री बनने से पहले सीआईडी इंक्वायरी होती है, वह सब कुछ जानते हुए भी मंत्री बनाए। फिर उनके जदयू में ही कुछ उनके बहुत खास व्यक्ति थे जिनके साथ उनका विरोध चलता था, उन्हें लगा कि इससे हम दिक्कत में पड़ जाएंगे, तो उन्होंने सभी उनका वारंट लीक कर दिया। जब वारंट लीक कर दिया तो उनको हटना पड़ा और आज चूंकि उनको आदेश मिल गया है राजद से कि उनको उनका यही फर्ज है कि जिताना है आनंद जी के पत्नी को, तो आज कार्तिकेय सिंह खुलेआम घूम रहा है, इस पूरे बिहार के कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा है। यह बहुत दुखद है। मैं पुलिस के अफसरों से कहूँगा, जो आप आईपीएस अफसर बनते हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं, न कि किसी मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत की, आपको हर हालत में अपराधियों को पकड़ना चाहिए। तो वहीं इस मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान सामने आया। रविवार को एसएसपी ने अपने लिखित बयान में बोला कि पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह के अग्रिम जमानत का मामला पटना हाई कोर्ट में लंबित है। तब तक के लिए निचली अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। फिलहाल उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं है। एसएसपी ने लिखा कि पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में चारों ओर जोरों शोरों से खबरें चल रही हैं। कार्तिक सिंह के खिलाफ 1 सितंबर को जारी हुआ जमानती वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में वापस कर दिया गया है। अगली प्रक्रिया जारी करने के लिए आवेदन दिया गया था। इस दौरान ही कार्तिक सिंह ने पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया। बहरहाल अब देखते हैं कि आखिर कार्तिक सिंह को लेकर ये मामला कितना लंबा खिंचता है और राजनीति में क्या खबरें उड़ती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।